हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यार, एप्रिलिया ने 2018 ऑटो एक्सपो में अपनी RS 150 को दिखाया था और उसके बाद लोगों के अंदर इंडियन मार्केट में काफ़ी क्रेज़ बन गया था एप्रिलिया की बाइक के लिए कि आखिर ये बाइक इंडियन मार्केट में आएगी कब। तो फाइनली नेक्स्ट ईयर वो बाइक आ जाएगी और उसके साथ अब इंडियन मार्केट में एक बाइक और आएगी, एप्रिलिया GPR 250। और उस बाइक की लॉन्च डेट कब है, क्या इसके प्राइस है, और बहुत ही स्पेशल और बहुत ही बेहतरीन बाइक है देखने में, और क्या क्या इसमें नए फीचर्स मिलने वाले हैं आपको, तो वो सब जान लेते हैं इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हेलो दोस्तों, मैं सभी का वीर जी आदि और मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज फिर से एक और नई वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं बाइक के इंजन के बारे में, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो इस बाइक में आपको 249.2 सीसी का इंजन मिलेगा जो कि सिंगल सिलेंडर लिक्विड कोल्ड इंजन है FI वेरिएंट के साथ। उसके साथ ही इसमें आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स दिया जाएगा और ये इंजन 26.5 BHP की पावर जनरेट करेगा 9000 RPM पे और 22000 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा 7500 RPM पे। इसके साथ ही इस बाइक की जो माइलेज रहेगी, इसकी माइलेज लगभग 35 से 40 km/L की रहेगी, ये एक्सपेक्टेड है, इसके आसपास में इसकी माइलेज रहने वाली है। और इस बाइक की सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी है वो इसका पावर टू वेट रेशियो। इसका जो वेट है वो 150 है और इसकी टॉप स्पीड 150 प्लस है, और जो इसकी पावर है उन हिसाब से इस बाइक का जो पावर टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छा हो जाता है और इस चीज़ में ये अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट रहने वाली है। इसके अलावा इसकी ब्रेक की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है और रियर में आपको 218 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है जो कि डुअल चैनल ABS के साथ आता है। इसके अलावा एक चीज़ जो इसमें मुझे पसंद नहीं आई है वो इसके टायर साइज़। इसमें आपको 100/80/17 का फ्रंट में टायर मिलता है और रियर में आपको 130/70/17 का रियर में आपको टायर मिलता है, जो कि इस सेगमेंट में सबसे कम वाइटर रहेंगे इस बाइक के। क्या पता कि इंडिया में लॉन्च करते टाइम इस बाइक के टायर वही कर दे जो कि इस सेगमेंट में इंडियन मार्केट में चलते हैं, 110 और 140 या फिर 150 जो भी रहेगा, लेकिन अभी इसके टायर साइज़ यही है। अगर इस टायर साइज़ में लॉन्च होती है तो यार थोड़ी सी समझ सकते हो। अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन की। इसमें आपको फ्रंट में USD फोक्स मिलते हैं और रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलता है जो कि एडजस्टेबल है। इसके साथ ही इसमें आपको डिजिटल प्लस में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, मतलब डिजिटल और एनालॉग दोनों रहेंगे। जो RPM मीटर है वो आपका एनालॉग रहेगा, बाकी चीज़ें आपकी डिजिटल रहने वाली है। इसके साथ ही इसमें एक अच्छी चीज़ जो है वो है सेल्फ कैंसलिंग इंडिकेटर, जैसा कि आपने कारों में देखा है और शायद मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को याद है पल्सर 220 में भी आता है कि जब आप इंडिकेटर को टर्न लेते हो राइट या लेफ्ट में, तो जब उसके बाद हैंडल जो सीधा होता है, मतलब बाइक का स्टेयरिंग जब सीधा होता है, तो इंडिकेटर अपने आप बंद हो जाते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही इसमें आपको USB चार्जिंग सॉकेट भी मिलेगा और इसमें आपको अंडरवैली एग्जॉस्ट मिलता है। इसके अलावा इसकी पूरी ओवरऑल लुक देखते हैं अपन, फ्रंट से, रियर से, लेफ्ट से, राइट से, तो हर जगह से बाइक को एक परफॉर्मेंस बाइक वाली लुक दी गई है जो कि प्योर परफॉर्मेंस वाली बाइक लगती है। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है इस बाइक को कि सबसे हैवी बाइक लगेगी इस सेगमेंट में दिखने में। और इसके अलावा जो इस बाइक के जो कंपटीशन है, कंपटीशन इंडियन मार्केट में रहने वाला है CVR 250R से, Gixxer 250SF से, उसके अलावा अपकमिंग KTM 250 से और Apache 310 से भी रहेगा। और जो इस बाइक की लॉन्च डेट है वो लगभग रहेगी, इसको आप नेक्स्ट ईयर फरवरी के अंदर ऑटो एक्सपो में दिखाया जाएगा। उसके उस टाइम अप्रैलिया ये देखेगी कि इंडियन मार्केट में कितने लोग इस बाइक में कितना इंटरेस्ट रख रहे हैं फरवरी के अंदर, जब ऑटो एक्सपो में इस बाइक को दिखाया जाएगा। उसके बाद इस बाइक को लॉन्च किया जाएगा, हो सकता है कि 2020 के एंड तक इस बाइक को लॉन्च करे या मिड तक लॉन्च करे, उस चीज़ की अभी कंफर्म डिटेल नहीं है। अभी ये डिटेल कंफर्म है कि 2020 ऑटो एक्सपो में इसको ज़रूर दिखाया जाएगा इंडियन मार्केट के अंदर। और जो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगी वो रहेगी लगभग 220,000 के आसपास, ये एक्सपेक्टेड प्राइस है। और इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा लॉन्च होने के बाद, 2-4-5 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हमेशा होता है, तो वो चीज़ हो जाएगी। इसके अलावा इस वीडियो में भाई इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने भाई से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ पर जाके फॉलो कर लो। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।